तो दोस्तों बहुत वीडियो बनाया है ये चैनल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉब्लम रिलेटेड, बहुत टाइप वीडियो बना के आपका साथ में डिस्कस किया। बहुत न्यू न्यू टेक्नीशियन को मैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए कोशिश किया। बट आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ओनली एक व्यूअर्स का प्रॉब्लम का वजह है, क्योंकि वो व्यूअर्स का एक पीसीबी का क्रिस्टल नंबर आउट हो गया और क्रिस्टल का टर्म टूट गया। तो वहाँ पर कौन सा क्रिस्टल लगाना पड़ेगा इसके ऊपर ये वीडियो है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, आप लोगों का साथ थोड़ा सा मैं हेल्प चाहूँगा। ये वीडियो आप फुल वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल कितना इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और बताने का साथ साथ भी आपको बताऊँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एक कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आज आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सीआरटी टीवी पीसीबी के अंदर जो क्रिस्टल रहता है, ये जो क्रिस्टल आप देख रहे हो, कुछ भी पीसीबी हो सकता है सीआरटी टीवी का, ठीक है। सभी पीसीबी के अंदर इस तरह क्रिस्टल देखा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही पतला वाला क्रिस्टल है, बट बहुत लंबा वाला क्रिस्टल भी हो सकता है, ठीक है। दो तीन टाइप और क्रिस्टल देखा जाता है, ठीक है, दो तीन टाइप क्रिस्टल देखा जाता है। ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है, प्रोसेसर आईसी का पास। तो दोस्तों ये क्रिस्टल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिस्टल जब खराब हो जाएगा, ये इतना बड़ा पीसीबी, सब कुछ पार्ट्स ओके होगा, तब भी ये चैसिस ऑन नहीं होगा, मतलब स्टैंड बाई से वोल्टेज रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्रिस्टल है। और दोस्तों ये जो क्रिस्टल, ये क्रिस्टल फॉल के बजाय बहुत पीसीबी के अंदर कलरफुल देखा जाता है, मतलब नो कलर प्रॉब्लम, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट प्रॉब्लम, इस तरह प्रॉब्लम आ जाता है। चाइना पीसीबी के अंदर भी दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्रिस्टल का जो, इसका जो सिस्टम होता है, जो ऑसिलेशन करने का जो मेन प्रोसेसर आईसी से जो एच आउट सिग्नल, ठीक है, मेन प्रोसेसर आईसी से जो एच आउट सिग्नल निकलता है, तो ये क्रिस्टल का ऊपर ये भी डिपेंडेंट है कि एच आउट सिग्नल जो ये डाइवर ट्रांजिस्टर पर आता है, और डाइवर ट्रांजिस्टर से ये डाइवर कॉइल पर आता है, इसी का हिसाब से तो इसका ऑसिलेशन, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का ऑसिलेशन ये डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्रिस्टल फॉल्ट के बजाय ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का ऑसिलेशन लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो दोस्तों मान लो ये जो चाइना पीसीबी का अंदर जो क्रिस्टल है 8.000, ये क्रिस्टल का नंबर है, ये नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये पोजीशन पर आप अलग सा क्रिस्टल लगाएगा तो हो सकता है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर का ऑसिलेशन इतना हाई होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन जितना ज़्यादा हाई होगा, उसी का हिसाब से ये ईएसटी भी ऑसिलेशन हाई हो जाएगा। और इस ईएसटी का ऑसिलेशन हाई का बजाय ईएसटी के ये जो सब वायर है, आउटपुट वायर है, यह से भी बहुत हाई वोल्टेज आउटपुट निकलेगा। जो फाइनल एनोड है, यह से भी बहुत हाई वोल्टेज निकलेगा। तो दोस्तों ये फाइनल एनोड से बहुत हाई वोल्टेज निकलने के बाद क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब के अंदर जब जाता है, तो ये कैप का अंदर से बहुत जोर से फड़क फड़क चरक चार्ज आवाज़ निकलेगा, और बहुत हाई वोल्टेज का बजाय पिक्चर ट्यूब भी फॉल्ट हो जाता है। बहुत टाइम देखा जाता है कि पिक्चर ट्यूब का जो पीछे जो योक का पोजिशन है, वो कट जाता है, मतलब टूट जाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्रिस्टल है। तो दोस्तों ये क्रिस्टल के ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया, ठीक है, ये क्रिस्टल के ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाया, और प्रैक्टिकल वीडियो मतलब एक एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाया, ये क्रिस्टल कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत मेहनत करके, बहुत टाइम लेके वो वीडियो बनाया। तो दोस्तों वो वीडियो आप ज़रूर एक बार फॉलो कीजिए, ठीक है। वो वीडियो का लिंक मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और ये वीडियो ख़त्म होने का पहले इस स्क्रीन का ऊपर मैं दे दूंगा, ठीक है। कुछ भी पोजीशन से ये वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग पीसीबी का अंदर अलग अलग क्रिस्टल दिखा जाते हैं। एक दोस्त ने बहुत बार कॉमेंट किया है कि सर मेरा पीसीबी का जो क्रिस्टल है उसका टंग टूट गया, और उसका ऊपर जो नंबर रहे थे वो भी क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा। तो दोस्तों इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो चैसिस बात है, वो चैसिस मेरे पास अभी नहीं है, और मैं नोट भी करके नहीं रखा हूँ, क्योंकि बहुत टेक्नीशियन जो करता है, जो काम आता है फॉल्ट होने के बाद, जब वो रिपेयर हो जाता है छोड़ देता है। बट दोस्तों मैं अभी इसी टाइम से जितना पीसीबी मेरे पास आता है, मैं सभी एक एक करके ये क्रिस्टल, अलग अलग पीसीबी का क्रिस्टल नंबर मैं नोट करके रखता हूँ। एक वीडियो के अंदर मैं वो सब आपका सामने मैं शेयर करूँगा। बट दोस्तों
आप भी आपका पास कुछ नोट है तो, और आपका पास पीसीबी है तो अलग अलग कंपनी का, आप भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि जो अलग अलग टेक्नीशियन आता है जिसका क्रिस्टल प्रॉब्लम हो जाता है, जिसका क्रिस्टल टूट जाता है कि क्रिस्टल नंबर आउट हो जाता है, हो सकता है दूसरा टेक्नीशियन क्रिस्टल को ओपन करके पीसीबी को छोड़ दिया तो वो आसानी से क्रिस्टल को लगा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो का कमेंट बॉक्स का अंदर आपका कमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं सभी कमेंट देखता हूँ। और जो टेक्नीशियन ये वीडियो देख रहे हो जिसका क्रिस्टल का प्रॉब्लम है, तो वो भी ये कमेंट बॉक्स देख के भी पता कर सकता है कि आपका कमेंट देख के कि कौन पीसीबी के अंदर कौन सा क्रिस्टल है। तो दोस्तों इसीलिए मेन प्रोसेसर आईसी नंबर आप बता दीजिए, पीसीबी का कंपनी नंबर आप बता दीजिए, ठीक है। हो सकता है वीडियोकॉन का चैसिस है उसका अंदर मेन प्रोसेसर आईसी नंबर जो है वो आप बता दीजिए, और उसका पास जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल नंबर आप बता दीजिए। और जो अच्छा होगा कि और मेन प्रोसेसर आईसी का कौन पिन का साथ कौन पिन क्रिस्टल कनेक्शन है, तो इतना डिटेल्स आप बताएगा तो कुछ भी टेक्नीशियन का पास से क्रिस्टल गायब हो जाएगा, तो आसानी से आपका कमेंट देख के वो लगा सकता है। तो दोस्तों मेरा पास थोड़ा सा मैं नोट किया, और कुछ दिन का अंदर ही मैं बहुत पीसीबी का जो क्रिस्टल मैं नोट करूंगा और उसका ऊपर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तब तक आप कमेंट करते रहिए, थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए जिस तरह मैं हेल्प कर रहा हूँ आपका साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप ज़रूर कमेंट करके बातें, आपका पास जितना पीसीबी है थोड़ा सा नोट करके कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए, मैं बहुत कुछ हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आपका रिक्वेस्ट से ही मैं टेलीग्राम चैनल बनाया, टेलीग्राम ग्रुप बनाया। आपका रिक्वेस्ट जो था सर, आप एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाइए कि वो ग्रुप के अंदर हम लोग डिस्कस कर सकता हूँ, पर दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर इतना मेम्बर ज्वाइन नहीं हो सकता है, 200-250 का अंदर ही मेम्बर ज्वाइन हो सकता है। पर दोस्तों मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का अंदर 1000 का ऊपर, ठीक है, जो 1000 का ऊपर मेंबर ज्वाइन हो गया, सभी दोस्तों वो टेक्नीशियन लोग है। मैं देखता हूँ आप लोग अच्छा तरह से उस ग्रुप के अंदर डिस्कस कर रहे हो, मुझे को देखने को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आप भी चाहे तो वो ग्रुप पर अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ तो ज्वाइन कर सकते हो, वो ग्रुप का लिंक ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आप मेरा चैनल चेक करेगा तो चैनल का अबाउट सेक्शन पर भी टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं ये जो शेयर किया मेनली आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका पास जितना पीसीबी है अलग अलग कंपनी का, वो पीसीबी का क्रिस्टल नंबर ये कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करेगा तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू दोस्तों।